और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, विपक्षी दलों की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के लिए एनडी गठबंधन के नेताओं के दिल्ली के अशोक होटल पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, एमके स्टालिन, लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ संजय राउत होटल पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं। अशोक होटल में ये एनडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है, चौथी बैठक है ये, और यहाँ पर तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। 27 राजनीतिक दल जिनके नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और लगातार सवाल यही है कि आगे इस बैठक से क्या कुछ ठोस निकल पाएगा, क्या यहाँ पर आगे ये तय हो जाएगा कि इसकी अगुवाई कौन करने जा रहा है। जैसा कि सामना के अंदर भी जिक्र किया गया है कि आखिर सारथी कौन होगा। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अरुण लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अरुण, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, ज्यादातर नेता अशोक होटल में पहुंच चुके हैं। बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। जो मीडिया है उसको अंदर ले जाया गया है ताकि जो बैठक है उसका चित्र, उसका वीडियो हम ले सकें। जहां तक आपने बात की कांग्रेस की कमेटी की, तो देखिए, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। कई बार केंद्र में मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार संसद के सदस्य रहे और कई बार विधायक रहे, तमाम पदों पर रहे हैं वो। उनकी एक तरह से अगुवाई में पहला नाम उनका है, हालांकि कन्वीनर मुकुल वासनिक है, लेकिन सबसे अनुभवी नेता को गठबंधन की कमान देकर कांग्रेस ने एक पॉजिटिव संकेत दिया। अशोक गहलोत के रिश्ते जो गठबंधन के जितने पार्टनर हैं उनसे बेहतरीन हैं, अच्छे हैं और वो अनुभवी हैं। जब बैठते हैं बात करने तो थोड़ा गिव एंड टेक का जो फार्मूला होता है उसके संवाहक हैं, उसको मानने वाले हैं। तो एक पॉजिटिव स्टेप कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये सहयोगी दलों को जो गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार दबाव बना रहे उनकी तरफ दिया। बिल्कुल अरुण, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही कि इस बैठक के बाद क्या निकलेगा। जैसा कि आपने शुरू में ही जिक्र किया था, क्या कुछ ठोस इस बैठक से निकलेगा, क्या वो रणनीति होगी जिसके तहत ये तमाम पार्टियां 2024 में बीजेपी का मुकाबला करेंगी, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का मुकाबला करेंगी, क्या साझा रणनीति यहाँ पर बन सकती है, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई देती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से एक गठबंधन कमेटी बनाई, उसी तरह बाकी दलों से हर राज्यवार बात होगी और अब गठबंधन का वक्त आ गया, गठबंधन करना पड़ेगा, गठबंधन के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। पहली बात तो यह है कि सीट बंटवारे को लेकर के ठोस उपाय किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आप कौन से मुद्दे होंगे जिनके जरिए जनता की नब्ज को आप अपने पक्ष में मोड़ लेंगे, जनता के मन को टटोलेंगे और उसको अपने पक्ष में मोड़ेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात है कि रैली का प्रारूप क्या होगा, कैसे कैंपेन होगा, कौन कहां जाएगा, किस राज्य में कौन भूमिका निभाएगा, एक बड़े कैनवस पे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है, लगातार उसकी सदस्य संख्या बढ़ रही है और वोटर उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, राज्यों में भी देखिए चुनाव में उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, इन सबको एक साथ कैसे काउंटर करना है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं में जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है उनको कैसे ऊर्जा देनी, ये मुख्य एजेंडा होने वाला है। बिल्कुल अरुण, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 के हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़ गए हैं। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए, बड़े सवाल यहाँ सामने आ रहे हैं। एक पहला सवाल तो ये कि कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, दूसरा बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनको एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने भी मेहनत की। पहली बैठक जो थी वो बिहार में हुई और हमने आज भी देखा कि उनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या ये दोनों जो सवाल है उनके जवाब आज की बैठक के बाद मिलेंगे? देखिए, आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा विपक्षी दलों का यही रहने वाला है कि सीट शेयरिंग पर बात हो। आप ये समझिए कि चुनाव से पहले, मतलब ये तीन राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उससे पहले भी कई राजनीतिक दल ये सवाल उठा रहे थे कि जितना जल्द हो सके सीट शेयरिंग किया जाए, और अब जब तीन चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद अब ये बैठक हो रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का रहने वाला है। चेहरे को लेकर जरूर समय समय पर बात होती रही है कि आखिर इस गठबंधन का कौन चेहरा होगा, ये अलग अलग राजनीतिक दल बैठक इस पर करते रहे, मंथन करते रहे, लेकिन अब आज की बैठक में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सबसे अहम जो सभी राजनीतिक दल मांग रहे हैं वो ये कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, उसमें कई राजनीतिक दल शामिल हैं, और चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी, क्योंकि सामने आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनसे मुकाबला इस गठबंधन का रहने वाला है। तो ऐसे में ये तमाम पहलू है जो आज इस गठबंधन की बैठक में क्लियर होगा और किस तरह से चुनाव में ये गठबंधन जाएगा, ये तमाम चीजें आज तय होंगी और ये तब तय हो रहा है जब तीन चुनाव राज्यों के
नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि बहुत परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जब तीन राज्यों के चुनाव चल रहे थे उससे पहले जितनी बैठकें हो रही थी तब एक अलग माहौल में बैठक हो रही थी, और अब नतीजों के बाद ये एक अलग माहौल में बैठक होगी। जावेद, एक सवाल और है कि जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल थे जो गठबंधन का हिस्सा थे उनकी तरफ से सवाल उठ रहा था कि कोई बैठक नहीं हो रही है, आगे कोई चर्चा नहीं हो रही है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है क्या ये उनको ही संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा सामना के अंदर भी ये सवाल उठाया गया कि सारथी कौन होगा, इस पर फैसला लिया जाए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे सबसे पहले जेडीयू की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया कि इसमें बहुत देर कर दी, चुनाव के दौरान कोई बैठक इंडिया गठबंधन की नहीं हो पाई, अगर कोई बैठक चुनाव के दौरान होती तो शायद कुछ फायदा ही होता, ये सहयोगी दलों की तरफ से कहा गया, और चेहरों के लेकर लगातार बात होती रही है, उसको लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि चेहरा कौन होगा। ये जरूर मांग की जा रही है कि एक चेहरे के साथ उतरा जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या किसी चेहरे के साथ उतरेगा या फिर सामूहिक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ेगा, यह आज की बैठक में भी तय होगा और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो एजेंडा देखिए रहने वाला है वो सीट शेयरिंग का रहने वाला है। इसी वजह से कांग्रेस ने जो कमेटी गठित की है इसको इसी नजरिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो इस बात को लेकर प्रेशराइज कर रहे थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो, ताकि चुनावों में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ताकि चुनावों की तैयारियां की जाए। पहले से ही 3 राज्यों में जो कांग्रेस तैयारी कर रही थी उसकी वजह से लेट हो चुका था। जी ठीक है, जावेद और अरुण आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर, बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 इंडिया पर, हम आपको बता दें कि जो विपक्षी दल की बैठक है वो कुछ ही पल में शुरू होने वाली है, कई अहम सवाल विपक्षी गठबंधन के सामने है जिसके जवाब आज शायद लोगों को मिल सके।